हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट ओडिया यूट्यूब चैनल। तो पिला माने नवम श्रेणी रो फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 रो जनरल साइंस रो जो पीरियोडिक टेस्ट रो प्रश्न उत्तर ऑलरेडी मु तमानकु प्रोवाइड कर देछि। वर्तमान आमे एही वीडियो रे देखिबा मल्टीपल असेसमेंट रो समस्त प्रश्न रो उत्तर। तो पिला माने जो माने वीडियो टी को देखिन पीरियोडिक टेस्ट को जाई कि देखिनियो वान्स एवं तापर एटा देखिबो। आ जदी एटा भी देखुछो ताले पर जाई कि सेटा निहाते देखो पिला माने। तो चलो आमे देर न करे वीडियो टी को आरंभ करबा। ता पूर्वर जदी चैनल रे नुआ आछो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो एवं पाखर थे बेल आइकन को प्रेस करी ऑल बटन रे क्लिक कर दियो, जहां फल रे जे कोनो से मध्ये नुआ वीडियो आमे चैनल रे अपलोड हबो सर्वप्रथमे तमान तारो वीडियो नोटिफिकेशन डी पाई परिबो। तो पिला माने मु सुशांत कुमार बिसी तमान को स्वागत करछि स्मार्ट ओडिया को। देखो पिला माने फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 रो पीरियोडिक टेस्ट रो आमे ऑलरेडी देखि छे प्रश्न उत्तर। तो एबे आमे देखिबा मल्टीपल असेसमेंट रो प्रश्न उत्तर। सीधा सलोक मल्टीपल असेसमेंट को आसीबा। एठरे देखो मौखिक प्रश्न जोडा दैछि हला। तो पिला माने ध्वनि रो तरंग को केउ उपकरण द्वारा वैद्युतिक सिग्नल रे रूपांतरण करा जाय, एटा रो उत्तर मु कमेंट सेक्शन रे दे देबी। सेकंड रो देखो केउटी इंग्रजी बडो अक्षर टी द्वारा सूचित करा जाय। तो पिला माने आवर्तकाल रो सूचित करा जाय हला, आवर्तकाल रो। तापर देखो पिला माने आमर मस्तिष्क ध्वनि तरंगर आवृत्ति को जो प्रकार व्याख्या करे ताहा को कोन कहा जाए, ताकू पिच कहा जाए। कोन कहा जाए पिला माने पिच। हाँ, तापर देखो ध्वनि तरंगर दैर्घ्य आवृत्ति बेग समय रे केउ सटीक संपर्क अटे। तो पिला माने एफ इज इक्वल टू 1/t, एफ इज इक्वल टू 1/t हबो हला। तापर देखो केउठी आवर्तकाल आवृत्ति मध्य संपर्क अटे। तो पिला माने एहा भी कमेंट सेक्शन रे कमेंट कर देबे, जो मान जानि छो जदी आगो कमेंट कर दउछो भलो कथा। ताहेले देखो यूनिट 2 को आसीबा उपयुक्त जोड़ा बाछी मिलन कर कहिछि। तो पिला माने एठार देछि मेजोस्फीयर। मेजोस्फीयर कोन हबो पिला माने 50 रु 85 किलोमीटर हला। तापर देखो कर्ण प्रति क्षतिकारक, कर्ण प्रति क्षतिकारक कोन पिला माने 130 डेसिबल हला। ओजन क्षय, ओजन क्षय के ओजन क्षय पई दाई पिला माने ना सल्फर ऑक्साइड बुझि हला। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन सीएफसी, जल सबुज वर्ण ब्लूम बुझीला। तापर देखो यूनिट 3 को देखा पिला माने क स्तंभ सहित ख स्तंभर उपयुक्त शब्द को मिलन कर। एसआई पद्धति, एसआई पद्धति कौन सेकेंड है। तरंग चलन संख्या कौन पिला माने ना आवृत्ति। ध्वनिर प्रबल प्रबलता कौन हम ना आयाम बुझीला। तापर कर्णर पतला झिल्ली, कर्णर पतला झिल्ली कौन पिला माने ना कर्णपटह। तापर ध्वनि शुणवार माध्यम कर्ण पिला माने बुझीला। तापर जीवा यूनिट आई भी को, यूनिट आई भी देखा पिला माने जे समुद्र जल जल रे कौन अधिक परिमाण रे थिबारु एहा जैविक प्रक्रिया को प्रभावित करिथाय। तो पिला माने एटा हेबो खनिज लवण, एटा हेबो कौन ना खनिज लवण बुझीला। तापर देखो पत्थर ऊपर ऊपर बंची पारथिबा उद्भिद किए रे पिला माने एटा हेबो तमरो लाइकेन, एटा हेबो कौन लाइकेन हेबो हला। तापर जीवा नेक्स्ट प्रश्न को, शब्दर मात्रा केते डेसिबल रु अधिक हेले मानव कर्ण प्रति क्षतिकारक अटे। एटा हेबो 130 डेसिबल। तापर विश्व जलवायु परिवर्तनर मुख्य कारण कौन ना विश्व उष्म क्यो हला। तापर देखो जोटा भूपृष्ठ रु 20 किलोमीटर पर्यंत वायुमंडल स्तर को कौन कहा जाए ना ट्रोपोस्फीयर। कौन कहा जाए पिला माने ट्रोपोस्फीयर बुझीला, ट्रोपोस्फीयर कहा जाए एटा को। तापर देखो प्रोटोफिलो, प्रोटोफिलो कथा जी देखा पिला माने प्रोटोफिलो एवं सब्जेक्ट अरेंजमेंटर भिडियो तुमको यथाशीघ्र आम चैनल में मिलजिव। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख, पाखर थे बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन क्लिक करके रख। और तुम टेलीग्राम ग्रुप जो एपर्तंत जॉइन कर, डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी जाइए जॉइन करनी। और इंस्टाग्राम में जदि किसी कंप्लेन अच्छी किसी भी कहार अच्छी मत मोर आईडी टी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिलजिव, कि इंस्टाग्राम में भी सर्च कर पार्थ सुशांत कुमार बिसी तुमको आईडी टी मिलजिव। तुमने से मो सहित कथबार्ता हो पार पाने और स्मार्ट ओडिया जो ऑफिशियल फेसबुक पेज अच्छे से तुमको ये वीडियो गुड़क मिलजिव। तो स्मार्ट ओडिया ऑफिशियल फेसबुक पेज को जाइए फॉलो कर दियो। धन्यवाद फ्रेंड्स, सी यू थ्रू नेक्स्ट वीडियो सेवल पर्यटन मतलब विदाय दिंतु।